दोस्तों बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का गुरुवार सुबह निधन हो गया। 67 वर्षीय ऋषि कपूर काफी समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे और विदेश में ट्रीटमेंट करवाकर वापस लौटे थे। वो लगभग ठीक ही थे लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया। वहीं गुरुवार यानी 30 अप्रैल को उनके निधन की खबर आई है। ऋषि कपूर आज भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन कई दशकों तक फिल्मों में दिए गए उनके अमूल्य योगदान से वो हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों ऋषि कपूर की आत्मा की शांति के लिए एक लाइक जरूर करें। ऋषि कपूर बीते साल ही कैंसर का ट्रीटमेंट करवाकर न्यूयॉर्क से वापस लौटे थे। वो ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी अपने काम को लेकर फिक्र थी। इस बात का खुलासा खुद उनके बेटे रणबीर कपूर ने किया था। रणबीर ने एक अवार्ड इवेंट में बताया था कि वो न्यूयॉर्क में ट्रीटमेंट के दौरान अक्सर पूछते थे कि वो ठीक होकर घर जाएंगे तो उन्हें कोई काम देगा या वो अब काम कर सकेंगे। रणबीर ने बताया था कि वो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछते रहते थे। वो बॉलीवुड और भारत में अपनी लाइफ को बहुत मिस किया करते थे। रणबीर इस बारे में बात करते हुए काफी इमोशनल हो गए। वहीं जब ऋषि कपूर के निधन की खबर आई तो जैसे कोई यकीन ही नहीं कर रहा हो। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे वो बर्बाद हो गए हों। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार ऋषि कपूर इरफान खान के बेहद ही करीब थे और जब से उन्हें इरफान की मौत की जानकारी मिली तब से वे सदमे में थे और काफी डिप्रेस हो गए थे और रात उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। अभिनेता इरफान खान की मौत के सदमे से ऋषि कपूर उभर नहीं पाए। तो दोस्तों इरफान खान और ऋषि कपूर की आत्मा की शांति के लिए लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।